हे एवरीबडी दिस इज़ अनामिका एंड यू आर वॉचिंग पाठशाला ऋषिकेश आज है हमारा डे सेवन हमारी एम सी क्यू सीरीज़ का हम छः दिन ऑलरेडी पच्चीस पच्चीस क्वेश्चन के कवर जो सेट हैं वो हम कवर कर चुके हैं आपके लिए जितने भी आपके एग्जाम आने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस हो या चाहे आपका सेंट्रल लेवल का आर आर बी का एग्ज़ाम हो एन टी बी सी का एग्जाम हो तो सबके लिए महत्वपूर्ण तो होगी क्योंकि जी एस तो आपके हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है तो आज भी हम बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ पहला क्वेश्चन आपको पूछा है कि इनमें से कौन सी नदी है जो कि पश्चिम की ओर बहती है यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर जिसको बोला जाता है ठीक है तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे भारत का मैप हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से आप इमेजिन कर लेंगे मतलब जज नहीं करेंगे आप मेरी ड्राॅइंग को आई होप ठीक है इधर जो बहेंगी वो होंगी आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर और इधर जो बहेंगी वो होंगी ईस्ट फ्लोइंग रिवर यानी कि पूर्व में बहने वाली नदियाँ और इधर पश्चिम में बहने वाली नदियाँ आपको पश्चिम की ओर पूछा है तो फिलहाल इसका आंसर सी हो जाएगा ए एंड बी दोनों यानी कि नर्मदा और ताप्ती दोनों रिवर जो है आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है निकलती कहाँ से है तो मध्य प्रदेश में आपकी एक पहाड़ियाँ हैं अमरकंटक की पहाड़ियाँ ठीक है तो ये भी आपको पूछता है कि कहाँ से आपकी नर्मदा और ताप्ती निकलती है तो ये बेसिकली आपकी अमरकंटक से निकलती है और इधर से निकल के आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर ये आपकी हो जाएंगी ठीक है अब आपको इसलिए वेस्ट फ्लोइंग पूछा जाता है क्योंकि कुछ ही रिवर हैं जो कि वेस्ट फ्लोइंग है इसमें आपको एक और याद रखनी है साबरमती रिवर तो ये तीन महत्वपूर्ण रिवर हैं जो आपको याद रखनी है बाकी जितनी भी नदियाँ हैं वो आपकी ईस्ट फ्लोइंग हैं जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं तो वो ईस्ट फ्लोइंग है इसलिए आपको ईस्ट से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो आईएनसी है यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको बोला जाता है इसकी अध्यक्षता किसने करी थी जो कि पहला सेशन हुआ था ठीक है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कब हुआ था पहला सेशन तो इसके 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन करी गई थी किसने करी थी तो एओ ह्यूम वो थे ब्रिटिशर्स थे तो इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी थी लेकिन अगर आपको अध्यक्ष पूछ रहा है जो कि इस क्वेश्चन में पूछा है कि अध्यक्ष कौन थे तो डब्ल्यू सी बैनर्जी इसका आंसर हो जाएगा यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने पहली बार इसको अध्यक्षता इसकी करी थी ठीक है इसी में आप बदरुद्दीन जी देख रहे होंगे तो ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे जिस जिन्होंने की आई की अध्यक्षता करी थी ठीक है तीसरी बैठक यानी कि थर्ड सेशन इन्होंने बेसिकली प्रेजिडेंट करा था ठीक है यहाँ पर पहला सेशन पूछा तो डब्ल्यू सी इसका आंसर हो जाएगा अगला आपको पूछा है कि इनमें से किसको पीपल हाउस के नाम से भी जाना जाता है तो इसका आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा ठीक है लोकसभा को पीपल हाउस से भी जाना जाता है तो इसलिए आपको अगर कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए पीपल हाउस के लिए आर्टिकल या कुछ भी तो आप समझेंगे कि लोकसभा के लिए आपकी बात हो रही है ठीक है यहीं पे इनके आर्टिकल भी डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले पार्लियामेंट का आर्टिकल आपको याद होना चाहिए सेवेंटी इसका आर्टिकल हो जाएगा एट्टी आपका लोकसभा का और एटी वन आपका राज्यसभा का आर्टिकल हो जाएगा एक के बाद एक आते हैं तो आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट की भी बात कर लेते हैं तो 124 सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल हो जाएगा ठीक है यहीं पे अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के लिए 214 आपका आर्टिकल हो जाएगा तो ये सारे आर्टिकल भी आपको पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण तो है तो आपको यहाँ से याद रखने हैं अगला क्वेश्चन पूछा है कि किरण देसाई जिन्होंने की भुगल प्राइज जिनको मिला था तो कब इनको मिला था तो इसका आपका आंसर हो जाएगा दो ठीक है दो में इनको बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था तो कुछ भारतीय हैं या भारतीय मूल के हैं जिनको कि बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया बुकर प्राइज क्या होता है बेसिकली ये लिटरेचर यानी कि आपके साहित्य की फील्ड में दिया जाने वाला पुरस्कार होता है तो कुछ ही भारतीय या कुछ भारतीय मूल के हैं जिनको कि इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो उनके नाम आपको याद होने चाहिए जैसे वी एस की बात करें तो इनको इन फ्री स्टेट के लिए ये इनके नोवेल या इनकी बुक्स होती हैं तो उनके लिए सेवन नाइनटीन सेवेंटी वन में इनको मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया सलमान रुशदी की बात करें तो इनको मिड नाइट्स चिल्ड्रन के लिए नाइनटीन एटी वन में सम, uh, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया अरुंधति रॉय ठीक है ये पहले भारतीय बने थे क्योंकि ये लोग तो पहले uh, भारतीय मूल के थे लेकिन पहले भारतीय कौन बने थे तो अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1987 uh, 1997 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो अरुंधति रॉय का नाम तो आपको याद रखना ही है इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है हमने किरण देसाई की बात करी थी तो इनको 2006 में इनकी नोवेल द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और लास्ट आते हैं मतलब यानी कि जिनको अभी रिसेंटली दिया गया है लास्ट जिसको बोलेंगे 2008 में द वाइट टाइगर के लिए अरविंद अड़ीका को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो ये पाँच भारतीय हैं या पाँच भारतीय मूल के हैं इनके नाम आपको याद रखने हैं ऑप्शन इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से किसको बुकर प्राइस से सम्मानित नहीं किया गया था तो आपको पाँचों के नाम पता होने चाहिए तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे ठीक है अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि उड़ीसा का फोक डांस है इनमें से कौन सा है वो वो आपको बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा डी दाल खेल ठीक है दाल खेल या दाल खेल <स्याँग> <स्याँग> अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा आपके पास चार ऑप्शन है इनमें से कौन सा है जो कि उड़ीसा का फोक डांस है या उनके लोक नृत्यों में से एक है तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी दाल खेल ठीक है तो ये उड़ीसा का फेमस लोक नृत्य जिसको बोला जाता है दो तरीके का डांस मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं एक होता है आपका फोक डांस और एक होता है आपका क्लासिकल डांस क्लासिकल डांस हमारे आर्ट हैं और आर्टो मैंने आपको बता रखे हैं तो आपका क्या काम होगा आप उनको रिवाइज़ करिए कौन कौन से स्टेट का कौन कौन सा आपका क्लासिकल डांस है क्योंकि तो वहाँ से भी आपको लिए क्वेश्चन बनते हैं फिलहाल इसका आंसर डी हो जाएगा यहीं पे रउ की बात करें तो ये कहाँ का होता है ये जम्मू एंड कश्मीर का होता है ठीक है गिद्दा की बात करें तो पंजाब में ये आप सब लोगों को पता है पंजाब में ये मनाया जाता है हौजागिरी की बात करें तो ये त्रिपुरा का हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है कुछ भी आपको पूछा जा सकता है अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि मनुष्य में प्रत्येक कोशिका में सामान्य जोड़े गुणसूत्र कितने होते हैं ठीक है तो इसका आंसर आई होप आप सब लोगों को पता होगा तेईस इसके आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपको जोड़े पूछ रहा है अगर आपको नंबर ऑफ गुणसूत्र पूछेगा या नंबर ऑफ क्रोमोजोम पूछेगा तो फोर्टी सिक्स उसका आंसर हो जाएगा तेईस इंटू टू करेंगे तो फोर्टी सिक्स ही आएगा ठीक है इसमें से आपके क्या होते हैं बाईस तो जो होते हैं आपके वो होते हैं ऑटोसोम और एक जो, जो जोड़ी होता है बाईस जोड़ी ऑटोसोम तो होता है जोड़ी आप यहाँ पे याद रखेंगे जो भी मैं टर्म बोल रही हूँ और एक जो होता है एक जोड़ा जो होता है वो आपका सेक्स क्रोमोजोम होता है ठीक है सेक्स क्रोमोजोम जो बाइस होते हैं वो तो आपके सब में मतलब मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं लेकिन जो आपका सेक्स क्रोमोजूम होता है वो आपका डिफरेंट होता है मेल में और फीमेल में मेल में आपको बताया कि एक्स वाई होता है और फीमेल में आपका एक्स एक्स होता है ठीक है तो ये सारी चीजें आप यहाँ से याद रखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा है कि पहली भारतीय महिला कौन थी जो प्रेसिडेंट बनी थी यानी कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ठीक है तो ये 2007 से बारह तक भारत की प्रेसिडेंट थी और पहली महिला प्रेसिडेंट ये बनी थी यहीं पे हम इंदिरा गांधी की बात करें तो ये कौन थी ये थी हमारी पहली प्राइम मिनिस्टर यानी कि पहली प्रधानमंत्री सुचेता कृपलानी की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की पहली सीएम थी या भारत की पहली महिला सीएम जिसको बोला जाता है तो वो थी आपकी सुचेता कृपलानी यहीं पर आपने सरोजिनी नायडू का नाम सुना होगा तो ये थी गवर्नर सुचेता कृपलानी और सरोजिनी नायडू में आपको कंफ्यूज नहीं होना है सीएम हो जाएंगे सुचेता कृपलानी और गवर्नर हो जाएंगे आपके सरोजिनी नायडू ये भी कहाँ की थी ये भी उत्तर प्रदेश की थी ठीक है एनी बेसेंट कौन है तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसके बारे में हमें हमने अभी हाल ही में बात करी है जिसकी फॉर्मेशन कब हुई थी एटीन तो एनी बेसेंट पहली महिला थी जिन्होंने कि इसकी अध्यक्षता करी थी कब उन्नीस में ठीक है ये फॉरनर थी यहीं पे आपको अगर ये पूछेगा कि पहली महिला कौन थी भारतीय महिला जिन्होंने की इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी तो उसका आपका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू ठीक है तो ये सारे फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए आपके काम आएंगे अगला आपको पूछा है कि चंद्रप्रभा प्रभा अभ्यारण या जो चंद्रप्रभा सेंचुरी है वो कहाँ पे स्थित है तो यूपी में वो स्थित है यूपी का भी अगर आपको पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे पूछ रहा है तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए चंदौली ठीक है चंदौली में ये प्रेजेंट है और जो कि कहाँ पे है यूपी में अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट यानी कि भारतीय अशांति के जनक किसको बोला जाता है तो ये बोला जाता है बी बाल गंगा धर तिलक जी को ठीक है किसने ये बोला था ये अंग्रेजों ने बोला था वेलेंटाइन शिरोल बेसिकली उनका नाम है जिन्होंने इनको के अशांति का जनक बोला था उनके लिए तो अशांति पैदा कर रहे थे इसलिए उन्होंने बोला था हम इनको एक और नाम से जानते हैं लोकमान्य तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछता है कि लोकमान्य किसको बोला जाता है तो लोकमान्य तिलक आप सब लोगों ने सुना होगा तो बाल गंगाधर तिलक जी को हम बोलते हैं अंग्रेजों ने इनको क्यों बोला था तो आपको पता है कि जो कांग्रेस थे वो दो दलों में बढ़ गई थी आपके नरम दल और गरम दल तो जो बाल गंगाधर तिलक जी थे वो गरम दल के अध्यक्ष थे या गरम दल के वो मेंबर थे तो इसीलिए उनको आफत आती थी उनसे तो इसलिए उन्होंने उनको भारतीय शांति का जनक बोल दिया था ठीक है उनका तो कुछ काम नहीं था कुछ भी बोले वो अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि इनमें से कौन से अमेंडमेंट के थ्रू दिल्ली को भारत की कैपिटल बनाया गया था या नेशनल कैपिटल टेरिटरी इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड यूज करा जाता है एनसीटी जिसको और शॉर्ट में बोला जाता है तो एन ऑफिशियली जब दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था तो कौन से अमेंडमेंट के द्वारा सी इसका आंसर हो जाएगा सिक्सटी नाइन्थ अमेंडमेंट ये क्वेश्चन बहुत बारी आपके एग्जाम में रिपीट होता है बहुत ही महत्वपूर्ण तो क्वेश्चन है तो आपको यहाँ से सिक्सटी याद रखना है यहीं पर आपको कुछ और क्वेश्चन पूछेगा दिल्ली को भारत की कैपिटल बनाने से एक तो ये पूछेगा कि कब अनाउंस करी गई थी कि दिल्ली को भारत की कैपिटल बनाया जाएगा तो उन्नीस में ये अनाउंस करा गया था और बनाया कब करा था तो 1912 में इसको बनाया गया था लेकिन ये मत सोचना कि 1912 में आपका सिक्सटी नाइन्थ अमेंडमेंट हो गया था उस टाइम पे सिर्फ दिल्ली को राजधानी बनाया गया था और यहाँ पे मैं बात करूँ नेशनल कैपिटल टेरिटरी की तो दोनों टर्म में आपका डिफरेंस है और दोनों टर्म अलग अलग है तो आपको याद यहाँ से क्या रखना है सिक्सटी नाइन अमेंडमेंट यहीं पे आपको पूछता है कि सिक्किम को भारत का राज्य कौन से अमेंडमेंट से बनाया गया था तो फिफ्टी थर्टी uh, अमेंडमेंट से बनाया गया था फोर्टी सेकेंड uh, अमेंडमेंट आपको एक पूछता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन से अमेंडमेंट को बोला जाता है तो ये आपका आंसर हो जाएगा फोर्ट सेकेंड ठीक है क्योंकि बहुत सारे चेंजेस उस अमेंडमेंट के द्वारा किए गए थे इसलिए उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है अगला आपको पूछना है कि कोयना जो नदी है कि किसकी सहायक नदी है तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी कृष्णा कृष्णा की एक और महत्वपूर्ण सहायक नदी है इसका नाम है मूसी तो ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे यानी कि कोयना और मूसी कुछ भी पूछता है तो वो कहाँ की हो जाएंगी कृष्णा की आपकी सहायक नदी हो जाएंगी कृष्णा निकलती कहाँ से तो महाबलेश्वर से ये निकलती है तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं अगला क्वेश्चन पूछा है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी तो ये करी थी आपकी कार्ल लेंस्टिनर ने ठीक है इसलिए इनको ब्लड ग्रुप का फादर या पिता भी बोला जाता है यहीं पे अगर आप एडवर्ड जेनर की बात करें तो एडवर्ड जेनर ने क्या करा था इन्होंने स्मॉल पॉक्स का जो टीका है उसकी इन्होंने खोज करी थी ठीक है तो इसलिए इन्हों वैक्सीनेशन का फादर भी इनको बोला जाता है किसको एडवर्ड जेनर को यहाँ पर कार्ल लेंस्टिन आपका आंसर हो जाएगा जिन्होंने की ब्लड ग्रुप की खोज करी थी अगला बोल रहा है कि नेशनल एम्बुलम यानी कि राष्ट्र जो हमारा प्रतीक है वो हमने कब अडॉप्ट करा था तो कब करा था हमने वो करा था हमने 26 जनवरी 1950 को ठीक है इस दिन हमने क्या क्या करा था एक तो हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू करा था एक हमने अपना नेशनल जो एम्बुलम है उसको अडॉप्ट करा था ठीक है मतलब अपनाया था लागू करने में और अपनाने में बहुत डिफरेंस होता है तो वो भी आप यहाँ से याद रखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा है कि जो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है तो ये सारे जो भी होते हैं स्टैटिक क्वेश्चन उनको बोला जाता है डेड क्वेश्चन होते हैं तो ये आपको डायरेक्टली याद करने होते हैं और आपके लाइफ भर काम आते हैं मतलब बार बार ये चेंज नहीं होते हैं तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कहाँ पे आपके राजस्थान में आपकी सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मौजूद है ठीक है हिंदी में बोलेंगे तो जीवन अभ्यारण्य इसको बोला जाएगा अगला पूछा है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है ठीक है तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी बेकालेक ये विश्व की सबसे गहरी झील है कहाँ पे यह प्रेजेंट है तो ये रशिया में प्रेजेंट हो जाएगी रशिया में भी पर्टिकुलर बात करें तो उसका जो साइबेरिया वाला पोर्शन है वहाँ पे आपकी बैकाल लेक मिलेगी जो कि विश्व की सबसे डीपेस्ट लेक आपकी हो जाएगी अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि बिग बैंग थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है किसके बारे में यह बताती है तो ये बेसिकली बहुत सारे एस्ट्रोनॉट जो आए हैं उन्होंने बोला था कि किस तरीके से यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई है यानी कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है वो किस तरीके से हुई है एक छोटा सा पॉइंट था उससे बहुत बड़ा ब्रह्मांड बना है धीरे धीरे करके मतलब बहुत साल उसमें लगे हैं तो उसी को वो एक्सप्लेन करता है तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को ये एक्सप्लेन uh, करता है तो पूछता है आपको बिग बैंग थ्योरी किससे रिलेटेड है तो आपको आंसर पता होना चाहिए अगला आपको क्वेश्चन पूछा है कि पार्सेक जो यूनिट है वो किसके लिए uh, होती है मतलब किसके लिए यूज करी जाती है तो ये करी जाती है आपकी लेंथ के लिए लेंथ मतलब जो बड़ी लेंथ होती है उसके लिए यूज़ करी जाती है वैसे हम लेंथ के लिए मीटर का भी यूज करते हैं अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो पारसेक यूनिट है वो किसके लिए यूज़ करी जाती है यानी कि वो किसकी यूनिट है तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए लेंथ ठीक है तो यानी कि जो बड़ी लंबाई होती है वो एस्ट्रोनॉट के द्वारा यानी कि जो यूनिवर्स में हम लेंथ का यूज़ करते हैं वो किसके द्वारा नापी जाती है वो पार्सैक के द्वारा यहाँ पे ना नापी जाती है उसको मीटर में, तो में तो नहीं नाप सकते उसको मीटर में तो नहीं नाप सकते ऑब्वियसली बात है ठीक है तो उसे पारसेक में नापा जाता है तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि चिपको मूवमेंट किससे रिलेटेड है तो ये आप सब लोगों ने सुना होगा तो यहीं पे हम बात कर लेते हैं पहले तो ये बताना चाहिए आपको कि कब ये स्टार्ट हुआ था 1973 में आपका चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था किसने करा था तो सुंदरलाल बगुणा जी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा तो उनके द्वारा ये नाइनटीन में स्टार्ट करा गया था कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था तो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से ये शुरुआत इसकी हुई थी ठीक तो है तो किससे रिलेटेड है ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड ये है इसमें क्या कर रहा था बेसिकली जो महिलाएं थी वो पेड़ों पे चिपक गई थी कि अगर आप पेड़ काटेंगे तो उससे पहले आपको उनकी लाशों से होकर गुजरना पड़ेगा तो ये बेसिकली एक चिपको मूवमेंट था तो आपको इसका ईयर और ये भी याद रखना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये स्टार्ट हुआ था ठीक है अब आपको पूछा है कि भारतीय संविधान का जो पहला संशोधन था वो कब हुआ था ये क्वेश्चन आपको बहुत बार रिपीट होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए नाइनटीन 1951 में पहली बार भारत के संविधान में संशोधन करा गया था क्या करा गया था तो जो नाइन्थ शेड्यूल था उसको भारतीय संविधान में ऐड करा था अब यहीं पर संशोधन की बात हो रही है तो इसके लिए आपको आर्टिकल भी पता होना चाहिए कि भारतीय जो संविधान में संशोधन किया जाता है उसके लिए आर्टिकल क्या है तो थ्री उसका आंसर हो जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किए जाते हैं थ्री इसका आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि इनमें से कौन सी बर्ड है जिसका कि सबसे बड़ा अंडा होता है यानी कि कौन सा पक्षी है जो सबसे बड़ा अंडा देता है तो चार आपके पास ऑप्शन है कीवी एमू एम और मराल तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑस्ट्रिच यानी कि जिसको हिंदी में शत्रु बोला जाता है ये ऐसा पक्षी है जिसका सबसे बड़ा अंडा होता है इसका आंसर आपको पता होना चाहिए था ऑलरेडी ठीक है अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि भारत का जो पोखरण में हमने जो न्यूक्लियर टेस्ट करे थे आप लोगों को पता है दो न्यूक्लियर टेस्ट हमने पोखरण में करे थे ठीक है तो वो कब करा गया था दूसरे की बात यहाँ पे आपको पूछ रहा है तो कब करा गया था 1974 इसका आंसर नहीं है 1970 uh, अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो भारत ने पोखरण में न्यूक्लियर uh, टेस्ट अपने करे थे यानी कि जो परमाणु परीक्षण करे थे दो मेन न्यूक्लियर टेस्ट हमने वहां पे करे थे दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए यहां पे आपको दूसरे के बारे में पूछा है तो दूसरा आपका आंसर क्या हो जाएगा नाइनटीन यानी कि ए इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है इसी में अगर आपको पहले के बारे में पूछता है कि तो फर्स्ट कब करा गया था तो इसका आंसर हो जाएगा 1974 में जिसको कि हमने स्माइलिंग बुद्धा नाम से जाना था तो स्माइलिंग बुद्धा अगर आपको पूछेगा कि ये टर्म किससे रिलेटेड है तो ये बेसिकली हमारा जो परमाणु परीक्षण या न्यूक्लियर टेस्ट हमने जो करा था तो उससे रिलेटेड ये है और दोनों के ईयर आपको याद रखना है कि कब कब हमने पहला और दूसरा करा था तो ये सारे आपको यहाँ से सीक्वेंस याद रखने हैं साथ ये बता दिए मैंने और तीन आपको मैंने ये बता दिए तो सीक्वेंस आपके एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज आपको दोनों याद रखने हैं भारत का अगर परसेंटेज आपको पूछता है पॉपुलेशन वाइज तो हमारा कितना है सेवनटीन पॉइंट फाइव परसेंट हम टोटल पॉपुलेशन वर्ल्ड का अपने आप में रखते हैं अगर यहीं पर एरिया वाइज पूछेगा तो टू पॉइंट फोर परसेंट हम टोटल वर्ल्ड एरिया का अपने आप में रखते हैं और नंबर हमारा सातवां हो जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो बच्चे होते हैं यानी कि जो चौदह वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं उनको मुफ्त शिक्षा जो अनिवार्य कराना ये कौन से अनुच्छेद में बोला गया है यानी कि इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में ये बोला गया है तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए आर्टिकल 45 ठीक है तो इसमें बोला जाता है कि जो भी 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको जो शिक्षा मिलेगी वो फ्री मिलेगी ठीक है गवर्नमेंट स्कूल में ये होता है आप सब लोगों को पता है ये जो आपका आर्टिकल 45 है ये किससे डील करता है तो ये है आपका डी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये आता है ये हमने कहाँ से ली थी तो ये हमने ली थी आईलैंड से भरो करी थी और किस में आती हैं ये ये हमारे आती हैं पार्ट फोर में ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एज इट इज सेवेंटीन आपको दिख रहा होगा ये अनटचेबिलिटी का आर्टिकल है ठीक है तो यहाँ से आप याद रखेंगे थर्टी टू का आई का है ये हमारा सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कि आपकी रिट दी गई है तो ये इससे रिलेटेड आर्टिकल यहाँ से हो जाएगा अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि अर्जुन अवार्ड किससे रिलेटेड है यानी कि किस फील्ड में ये दिया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी स्पोर्ट्स से ये रिलेटेड है तो स्पोर्ट्स की जो भी पर्सनैलिटी होती है जो भी जो भी वो एक्सीलेंस में अपना काम करते हैं मतलब स्पोर्ट्स में पूरे ईयर में कुछ अच्छा काम करने के लिए इस अवार्ड से उनको सम्मानित किया जाता है अभी इस साल नहीं दिए गए हैं 2020 के बाद अर्जुन अवार्ड से अभी सम्मानित किसी को नहीं किया गया है पाँच लोगों को दो में ये अवार्ड दिया गया था तो ये आपको यहाँ से याद रखना है अगला क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से पूछा है क्योंकि जो आपका उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम होता है उसमें आपके कंप्यूटर से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं तो यहाँ पे आपको सीपीयू की फुल फॉर्म बतानी है क्या हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ठीक है सीधा क्वेश्चन है सीधा आप यहाँ से याद रख लेंगे कन्फ्यूज़ आपको नहीं होना है तो ये थे पच्चीस एम आपके जी से रिलेटेड आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और जो भी मैंने फैक्ट्स बताए हैं वो भी आपके दिमाग में आए हों और तो इसी तरीके की और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम और यूट्यूब पे पाठशाला ऋषि केस के नाम से फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको डेली की अपडेट हमसे मिलती रहे तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग है नाइस डे बाय टेक केयर